बच्चों, आज के इस वीडियो में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं पाठ एक व्याकरण निधि पुस्तक से, जो संस्कृत की व्याकरण की पुस्तक है व्याकरण निधि। उसके पहले पाठ का अभ्यास कार्य हम लोग करेंगे। तो पुनरावृत्ति में एक बार पाठ में दिए उसको अच्छे तरह से समझ के और फिर हम लोग उसके अभ्यास कार्य को पूरा करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी व्याकरण निधि की पुस्तक निकाल लेंगे और उसमें पहला पाठ निकालेंगे, भाषा, लिपि तथा व्याकरण। यहाँ पर जो सबसे पहले लिखा हुआ है वह है मधुकरः। हे हरीश, त्वं ग्रीष्मावकाशे कुत्र अगच्छः? हे हरीश, तुम ग्रीष्मावकाशे गर्मी की छुट्टी में कुत्र अगच्छा कहाँ जाओगे, कहाँ गए थे? हरीश कहता है कि हे मधुकर, यहाँ पे अगच्छा का प्रयोग है मधुकर वाली लाइन में, यानी कि गए थे, ये भूतकाल की क्रिया है। हे हरीश, त्वं ग्रीष्मावकाशे कुत्र अगच्छा, तुम गर्मी की छुट्टी में कहाँ गए थे? हरीशः, हरीश कहता है कि हे मधुकर, अहम अनुजेन सह, अहम मतलब मैं, अनुजेन सह अनुज के साथ मातुलस्य गृहम अगच्छम, मातुल के घर गया था। मातुलस्य, मातुल कहते हैं मामा को, मातुलः, और गृहम यानी उनके घर, अगच्छम यानी गया था। तो यहाँ अहम का प्रयोग है इसीलिए अगच्छम का प्रयोग है। तो ऊपरी लिखित उदाहरण में दो मित्र परस्पर बातचीत के द्वारा अपने मन के भावों को प्रकट कर रहे हैं। मन के विचार बोलकर अथवा लिखकर प्रकट किए जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि भाषा विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान का साधन है। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति बोलकर तथा लिखकर अपने विचार प्रकट करता है तथा सुनकर व पढ़कर दूसरों के विचार समझ सकता है। इसी आधार पर भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। और मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपने विचार दूसरों पर प्रकट करते हैं तो तथा सुनकर दूसरों के विचार समझते हैं, तो यह भाषा का मौखिक रूप है। कहानी सुनाना, भाषण देना मौखिक भाषा के रूप हैं। लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं तथा पढ़कर दूसरों के विचार समझते हैं, तो यह भाषा का लिखित रूप है। पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप है। तो इस तरह से यहाँ पे भाषा के बारे में बताया गया है। और इसके बाद है लिपि, और लिपि जो है वो भाषा और लिपि का घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि भाषा के मौखिक रूप को लिखित रूप देने का कार्य लिपि करती है। अगर लिपि ना हो तो लिखने का कार्य करना मुश्किल होगा। तो भाषा को जो है लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। तो किसी भाषा को लिखने के लिए जो ध्वनि चिन्ह निश्चित किए जाते हैं उनके स्वरूप को लिपि कहते हैं। और भिन्न भिन्न प्रकार से लिखी जाने के कारण ही भाषाओं की लिपि अलग अलग होती है। तो अलग अलग भाषाओं को लिखने का ढंग अलग अलग होता है, इसीलिए सबकी अलग अलग लिपि होती है। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। और व्याकरण, व्याकरण क्या है? व्याकरण जो है वह शास्त्र है जो किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाता है। दूसरे शब्दों में शब्दों की बनावट, रचना व उनके प्रयोग की विधि व्याकरण ही सिखाता है। तो जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया गया है, पृथ्वी, पृथ्वी को पृथ्वी लिखा है जो गलत है, और शुद्ध रूप है पृथ्वी। भविष्य, ये गलत है, भविष्य सही है। बालकाः दुग्धं पिबति, बालक दूध पीता है, ये जो है
ये गलत प्रयोग है। बालकः दुग्धं पिबति, बालक एक वचन होगा यहाँ पे, बालक दूध पीता है। त्वं कुत्र गच्छति, तुम कहाँ जाते हो, तो यहाँ पे त्वं के साथ गच्छति का प्रयोग है, लट लकार प्रथम पुरुष का प्रयोग है जो कि गलत है। यहाँ पर होना चाहिए त्वं कुत्र गच्छसि। तो क वर्ग के शब्दों में वर्तनी की अशुद्धि है और तथा वाक्यों में कर्ता के वचन व पुरुष की त्रुटि है, जबकि ख वर्ग के शब्द व वाक्य शुद्ध हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये बताया गया है कि व्याकरण के द्वारा भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाया जाता है। हम सीखते हैं शुद्ध रूप से लिखना और बोलना। अब भाषा में व्याकरण के कई अंग हैं, जैसे कि यहाँ पे व्याकरण के तीन अंगों को बताया गया है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के बारे में, शब्द विचार के अंतर्गत शब्द के भेद, कितने प्रकार के शब्द होते हैं, शब्दों की रचना किस तरह से होती है, उनका शुद्ध रूप क्या होता है, और वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य बनाने के नियम और वाक्यों के शुद्ध रूप का ज्ञान और कर्ता क्रिया इत्यादि का विचार किया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग अभ्यास कार्य अब करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न करेंगे अभ्यास कार्य का। यहाँ अभ्यास कार्य इसका उत्तर एक में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या पूछा गया है। लिखा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध पर सही का चिन्ह लगाइए। तो जो शुद्ध है यानी कि जो सही है, जैसे कि यहाँ पे क दिया हुआ है, कहानी सुनाना उदाहरण है। किसका उदाहरण है? मौखिक भाषा का या लिखित भाषा का? ऑब्लिक यहाँ पे निशान बना है, मौखिक भाषा का या लिखित भाषा का। तो कहानी सुनाने के लिए तो बोलकर सुनाया जाता है कहानी, तो इसलिए ये मौखिक भाषा का उदाहरण है। तो क में हो जाएगा मौखिक भाषा। और अब है ख, भाषण देना उदाहरण है। तो भाषण देना यानी कि भाषण तो बोल कर ही दिया जाता है, तो ये उदाहरण हो गया लिखित भाषा का या मौखिक भाषा का, तो ये उदाहरण है मौखिक भाषा का। तो ये मौखिक भाषा का उदाहरण है। इसमें का शब्द जोड़ना है। और अब है यहाँ पे ग, व्याकरण के अंग हैं। व्याकरण के अंग हैं कितने? तीन या चार? तो व्याकरण के तीन अंग बताए गए हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो तीन जो है वो सही उत्तर है। और अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे घ वाला। घ में जो दिया है वह भाषा के रूप हैं। भाषा के रूप के बारे में यहाँ पे लिखना है, भाषा के कितने रूप हैं? तीन या दो? तो यहाँ पे भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। तो यहाँ पे हम लोग दो जो है लिखेंगे, जो सही विकल्प है। और अब है अंग। और अंग में हम लोग देखेंगे कि लेख लिखना उदाहरण है। लेख लिखना उदाहरण है मौखिक भाषा का या लिखित भाषा का? तो ये लिखित भाषा का उदाहरण है। लिखित भाषा का दूसरा है रिक्त स्थान भरिए। प्रश्न दो में रिक्त स्थान भरने के लिए कहा गया है, तो ये सभी बच्चे इसको लिखेंगे और व्याकरण की किताब में ही इसे पूरा करेंगे।
तो रिक्त स्थान भरिए, ये दूसरा प्रश्न है और इसमें पूछा गया है कि किसी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान हमें कौन कराता है? व्याकरण। तो यहाँ पे हम लोग प्रश्न 2 का उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 2 में क जो है वो खाली जगह में आ जाएगा, व्याकरण, और ख है विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है भाषा। भाषा जो है इससे हम अपने विचार व्यक्त करते हैं और दूसरे के विचारों को सुनते हैं, तो भाषा। अब है संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। ग है संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। यहाँ पे खाली जगह में देवनागरी लिखना है, देवनागरी। और पत्र लिखना भाषा का उदाहरण है, लिखित भाषा का लिखना है यहाँ पे, तो लिखित भाषा हो जाएगी। लिखित भाषा का उदाहरण है पत्र लिखना। तो ये 4 प्रश्न हैं इसमें, ये चारों प्रश्न जो है वो भरना है खाली जगह इनका। और अब है प्रश्न 3, निम्नलिखित के शुद्ध रूप लिखिए। निम्नलिखित के शुद्ध रूप लिखिए। यहाँ पर कुछ पद दिए गए हैं और उन पदों में लिखा गया है, शब्द लिखे हुए हैं कई, और उनमें कुछ अशुद्धियाँ हैं, मात्रा से संबंधित, वर्तनी से संबंधित, तो उसे ठीक करके खाली जगह में लिखना है। तो इसमें हम लोग पहला शब्द देखेंगे, विद्यालय। यहाँ पर विद्यालय जो है लिखा है पहला प्रश्न, तो उसको हम लोग सही करेंगे शब्द को, और उसकी मात्रा ठीक करके उसे फिर से खाली जगह में लिखना है। तो यहाँ पे उत्तर 3 है, ये उत्तर 3 के क में विद्यालय लिखा है, तो इसे शुद्ध करके लिखना है विद्यालय। दूसरा है ख सूर्योदय, यहाँ पे छोटा उ लगा है, तो इसे जो है वो शुद्ध करके लिखना है सूर्योदय। ग है महर्षि, महर्षि नहीं होता है, महर्षि होता है, तो यहाँ पे महर्षि। और घ है कार्यक्रम, कार्यक्रम लिखा है तो कार्यक्रम नहीं होता है, कार्यक्रम होता है, तो यहाँ पे कार्यक्रम। और अब यहाँ पे अंग ऐतिहासिक लिखा है, ऐतिहासिक, तो ऐतिहासिक में जो है वो गलत है, यहाँ पे ई की जगह पे ए होगा, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक। और च है दशर्ण, दशर्ण लिखा है, दशर्ण नहीं होता है, ये होता है दर्शन, तो च में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दर्शन। श के ऊपर र की मात्रा आएगी, दर्शन। और अब है छ राष्ट्र, छ है राष्ट्र, यहाँ पे श के ऊपर, ट के ऊपर र की मात्रा आएगी, ऊपर का हट जाएगा। और ज है रामायण। रामायण। तो इस तरह से यहाँ हम लोगों ने देखा कि किस तरह से शब्दों में अशुद्धियाँ होती हैं, और बच्चे जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते भी हैं, तो हमें शुद्ध उच्चारण भी करना चाहिए और शुद्ध लिखने का अभ्यास भी करना चाहिए। तो
ये सभी बच्चे किताब में इसे भर लेंगे और इसके बाद जो है वो हम लोग करेंगे चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में हम लोग यहाँ पे कुछ परिभाषाएं लिखनी है। प्रश्न 4, भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने रूप हैं। भाषा जो है वो विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। तो भाषा को जो है यहाँ पे लिखना है कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान का माध्यम है। और इसमें एक और प्रश्न पूछा है, भाषा के कितने रूप हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे भाषा के दो रूप हैं या भेद हैं या प्रकार हैं, इन सब में यही लिखा जाता है। रूप कितने रूप हैं या भाषा के कितने भेद हैं या भाषा के कितने प्रकार हैं, ये सब एक ही अर्थ में आता है। तो इसके दो रूप हैं, भाषा के दो रूप हैं, एक ही चीज़ लिखना है इसमें। इसमें पहला है मौखिक भाषा, और दूसरा है लिखित भाषा। तो ये भाषा के दो रूप हैं। और अब है प्रश्न 5, लिपि किसे कहते हैं। संस्कृत भाषा की लिपि का नाम लिखिए। तो लिपि किसे कहते हैं ये यहाँ पे लिखना है। तो लिपि जो है वो किसी भाषा को लिखने के लिए जो ध्वनि चिन्ह जो जो ध्वनि चिन्ह निश्चित किए जाते हैं उनके स्वरूप को, जो ध्वनि चिन्ह निश्चित किए जाते हैं उनके स्वरूप को लिपि कहते हैं। तो ये है लिपि किसे कहते हैं। और संस्कृत की लिपि का नाम लिखना है। तो संस्कृत की लिपि का नाम संस्कृत की लिपि का नाम देवनागरी है। तो संस्कृत की लिपि का नाम देवनागरी है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि
जो प्रश्न 5 में पूछा गया है, लिपि किसे कहते हैं, संस्कृत भाषा की लिपि का नाम लिखिए। और अब 6, हम व्याकरण क्यों सीखते हैं। यहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया है कि हम व्याकरण क्यों सीखते हैं। तो व्याकरण हम सीखते हैं भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग व्याकरण के बारे में, यहाँ पे उसके महत्व को लिखना है कि हम व्याकरण क्यों पढ़ते हैं। तो अब हम लोग अभ्यास कार्य का अंतिम प्रश्न करने जा रहे हैं कि हम व्याकरण क्यों सीखते हैं। प्रश्न 6, तो इसका उत्तर 6 हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। तो उत्तर 6 में यहाँ पे है, हम व्याकरण इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि किसी भाषा को जो है, किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना व्याकरण ही सिखाता है। इसलिए हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं। तो किसी भाषा को, यहाँ पे को छूट गया है, तो हम व्याकरण क्यों पढ़ते हैं, ये उसका उत्तर है। और ये सारे प्रश्नों का उत्तर इसी में लिखना है। और अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि पाठ 2 में वर्ण के बारे में बताया गया है। तो हम लोग थोड़ा सा वर्ण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रश्नों को करेंगे। तो यहाँ पर जो है, वर्ण सीता पाठम पठति, यहाँ पर वर्ण को समझने के लिए यहाँ पर सीता पाठम पठती, इस वाक्य में 3 पद हैं। पहला है सीता, दूसरा है पाठम और तीसरा है पठती। तो ये 3 जो है वो 3 पद हैं और प्रत्येक पद में निम्नलिखित वर्ण हैं। सीता, यहाँ पे सीता का वर्ण विच्छेद दिया गया है, और फिर पाठम, पाठम का वर्ण विच्छेद दिया गया है। उन पदों में से स्वर और व्यंजन को यहाँ पे अलग अलग किया गया है। और फिर पठति, इनका वर्ण विच्छेद करने के बाद इन वर्णों के और खंड नहीं किए जा सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं और इसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते, जैसे क, ख, च, प आदि। तो वर्ण के भेद यहाँ पे दिया है स्वर और व्यंजन। ये सभी बच्चे जानते हैं कि स्वर और व्यंजन वर्ण के भेद हैं। और इसमें जो है स्वर वर्ण जो है वो अ, ई, उ, जिन वर्णों के उच्चारण में
किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें स्वर कहते हैं और संस्कृत भाषा में कुल 13 स्वर हैं। अ आ ई ई उ ऊ रि रि लि ए ए ओ अ, ये 13 मात्राएं हैं। और मात्रा काल क्या होता है कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा काल कहते हैं। इसी आधार पर स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर, जैसे कि हम लोग अ बोलते हैं, छोटी ई बोलते हैं और छोटा उ होता है, तो ये सब जो है वो इसमें बहुत कम समय लगता है बोलने में, एक मात्रा का समय लगता है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वह ह्रस्व स्वर कहलाता है, और जिन को बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है वह दीर्घ स्वर कहलाता है, और जिनको बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है वो प्लुत स्वर कहलाता है। तो इसमें जो है प्लुत में जैसे ओम का उच्चारण होता है तो उसमें थोड़ा सा उच्चारण लंबा होता है, समय अधिक लगता है, इसीलिए उसे प्लुत स्वर कहते हैं। व्यंजन के भेद हैं, जैसे कि यहाँ पे स्पर्श व्यंजन क से लेकर जो है म तक, और अंतःस्थ व्यंजन जो य र ल व होते हैं, और इसके बाद ऊष्म व्यंजन श स स ह। तो ये जो है, और संयुक्त व्यंजन, इन व्यंजनों के अतिरिक्त संयुक्त व्यंजन जो 2 व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ऐसे व्यंजन जो कि 2 व्यंजनों के मेल से बन रहे हैं, तो ऐसे व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे कि क्ष, त्र और ज्ञ। तो ये क्ष से क्षत्रिय, त्र से मित्र और ज्ञ से ज्ञानी। ज्ञानी इसका उच्चारण होता है, और इसमें जो है जैसे क्ष है तो क्ष में क श और अ मिलकर बनता है क्ष, और इसके बाद त्र त्र मिलकर बनता है यहाँ पर त र और अ त्र, और ज इय और अ मिलकर बनता है ज्ञ। ज्ञ इसको बोलते हैं ज्ञ, यज्ञ बहुत लोग यज्ञ बोलते हैं, यज्ञ। तो यज्ञ, ज और इय, इय का उच्चारण नाक से होता है, नासिका से। तो ज्ञानी, ज्ञानी ये उच्चारण इसका होता है। अयोगवाह, विसर्ग, अनुस्वार और अनुनासिक। विसर्ग स्वर के बाद उच्चारित होने वाली हल्की ह की ध्वनि को विसर्ग कहते हैं, और इसका चिन्ह 2 बिंदु लगाया जाता है जिसे कि विसर्ग कहते हैं, जैसे प्रातः, अतः, रामः। तो ये सब जो है वो यहाँ पर प्रातः, अतः, रामः, ये सब विसर्ग के उदाहरण हैं। तो इसे ये जो 2 बिंदु लगाया जाता है और इसका ह उच्चारण हल्का सा होता है, इसे प्रातः, अतः, रामः। और इसके बाद अनुनासिक वर्ण जिनका उच्चारण करने में प्राण वायु तथा नासिका दोनों से निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे चंद्र बिंदु का जो हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में बताया गया है कि कौन से वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है। तो उच्चारण स्थान होता है कंठ, कंठ मतलब गला। हम लोग जो भी उच्चारण करते हैं उसमें गले का, नाक का, मुख का, और मुख के अंदर भी
बहुत सारी जगह होते हैं जहाँ से कि हम अलग अलग वर्णों का उच्चारण करते हैं, तो उसमें मुंह के अंदर का तालू और जिह्वा, जिह्वा कहते हैं जीभ को, और उसके बाद फिर ओष्ठ, होंठ का जो है वो प्रयोग होता है बोलने में, और दंत मतलब दांत। तो ओष्ठ मतलब होंठ होता है, और नासिका नाक को कहते हैं, कंठ गले को कहते हैं, कंठोष्ठ, और कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिसमें गले और जो ओंठ दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, और दांत और ओंठ दोनों का इस्तेमाल करते हैं वो दंतोष्ठ होता है। तो इस तरह से ये, और इसके बाद संस्कृत में वर्णों के जो व्यवस्थित समूह होते हैं उनको वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला जो है, व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसमें स्वर व्यंजन सब होते हैं, और वर्णों का संयोजन भी होता है, वर्णों का विच्छेद भी होता है। शब्द में जो वर्ण है उसका उसको अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है, और अलग अलग वर्णों को जोड़ना वर्ण संयोजन कहलाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये दूसरे पाठ में ये सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है, तो इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी ली, और इसका अभ्यास कार्य हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।